संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कल रामलीला ग्राउंड दिल्ली के अंदर महापंचायत है। इस महापंचायत में किसान मजदूर ट्रेड यूनियन और कर्मचारी रिटायरमेंट कर्मचारी सभी भाग लेने का काम करेंगे। लाखों की संख्या में हम दिल्ली पहुंचने का काम करेंगे और आज हमने उचियाना पक्का मोर्चा से पैदल मार्च निकालने का काम किया है। ये पैदल मार्च हमारा जींद तक जाएगा और जींद से हम जो कल की हमारी रैली है ट्रेन के माध्यम से जींद रेलवे स्टेशन से ट्रेन के माध्यम से पहुंचने का काम करेंगे और रैली में शामिल होने का काम करेंगे और किसान मजदूर की एकता को हम दर्शाने का काम। किसके आह्वान पर ये काम? ये संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ये रैली रखी गई है और इसमें लाखों की भीड़ दिल्ली पहुंचने का काम करेगी। कहां कहां से पैदल चले हुए किसान ऐसे? देखो इस प्रकार से जत्थे जैसे पक्का मोर्चा उचियाना से हमारा चलिया, हिसार से चलिया, यहाँ कैथल से चलिया, मैं को पूरे देश के अलग अलग जगह से पूरे देश से ये जत्था निकलने का काम करेगा और कल हम हमारा प्रोग्राम 11 बजे दिल्ली पहुंचने का है और हम दिल्ली पहुंचकर अपनी एकता को दिखाने का काम करें और इस सरकार को हम स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देंगे, या तो हमारी मांगों को पूरा किया जाए नहीं इस कुर्सी को खाली किया जाए। सर किसान आंदोलन चला हुआ है लगातार, तो ऐसे में किसान आंदोलन के माध्यम से कह सकते हैं कोई भी किसान संगठन एक नहीं हो पा रहे, इस बार क्या कुछ कहेंगे? सभी किसान संगठन एक है, ये संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है और संयुक्त किसान मोर्चा देश के हजारों संगठन से बना हुआ संयुक्त किसान मोर्चा। इस संयुक्त किसान मोर्चा के नीचे ट्रेड यूनियनों का भी समर्थन है, मजदूर संगठनों का भी समर्थन है और कर्मचारी रिटायरमेंट कर्मचारियों का भी समर्थन है। ये देश की सबसे बड़ी रैली महारैली हम करके दिखाएंगे। तो सर जो दिल्ली जा रहे हैं मांगे क्या हैं, किन मांगे? हमारी मांगे है कि MSP की हमारी जो अधूरी लड़ाई रह गई थी, MSP के फसल खरीद का कानून बनाए, स्वामीनाथन आयोग की C2+50 और जो किसानों के और मजदूरों के कर्जे माफ किए जाए, बिजली बिल पराली बिल को निरस्त किया जाए और जो लखीमपुर खीरी के मुख्य दोषी थे उनको गिरफ्तार किया जाए, वृद्धा पेंशन 10,000 रुपए की जाए, इस प्रकार की हमारी मांगे हैं और सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो हम सरकार को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दे देंगे कि या तो कुर्सी खाली करो नहीं तो हमारी मांगों को पूरा करो। नाम और डजी आजाद पालुआ सदस्य शिव क्या मोर्चा हरियाणा।